दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम का मीठी अचार। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मसाले में सरसों 2 चम्मच, मिर्ची, आप अपने स्वाद के अनुसार जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से, पचफोरन 2 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच। इसमें ऊपर से डालने के लिए हमें चाहिए जमाइन, मंगरेला, नमक, वो भी स्वाद ही अनुसार डालना है। जैसा कि हमने कहा है मीठी अचार, तो उसके लिए हमने 1 पाव गुड़ ले लिया है 250 ग्राम। हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले को भूनेंगे। सभी को एक साथ भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और ये सोंधा ना महकने लगे। ये देखिए हमारा मसाला भून गया है। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे बारीक। ये देखिए हम लोगों ने इसको मिक्सी में पीस लिया है, ये बारीक हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। इसे अच्छे से मिला लेंगे। आइए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम आम के छिलकों को उतार लेंगे, तो आइए हम लोग इसे छील लेते हैं। ये देखिए हमने छिलके उतार लिए हैं। अब इसे पीस पीस काट लेंगे, जैसे अचार का टुकड़ा होना चाहिए वैसा ही। ये देखिए हम लोग आम को पीस पीस काट लिए हैं, टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे मसाला जो कि हमने बारीक कूट लिया था। चुटकी भर नमक, जमाइन और मंगरेला, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। इसे मिक्स करेंगे। अब इसे मीठा बनाने के लिए हम लोग चलिए तैयारी करते हैं। हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे गुड़। इसको धीमे धीमे आंच पे हम लोग एकदम पिघला देंगे, जैसे कि सिरप होता है वैसे। तो इसे गलने देते हैं। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसे हम 1 उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए उबल गया है। अब इसे हम लोग आम में ऐड करेंगे, जो आम का अचार हमने तैयार किया है। तो आइए इसे मिलाते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारे चटपटी अचार तैयार हो गए। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है, उतना खाने में भी खूबसूरत लगता है। तो इसे अब हम जार में भर लेंगे। ये देखिए हमारा चटपटा अचार तैयार हो गया। ये किसी भी भरे रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे आप 1 सप्ताह के लिए धूप में छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाए और गुड़ जो है वो आम में अच्छे तरह से अंदर समा जाए, ग्रेवी टाइप का हो जाएगा ये। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।